सभी को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत गणपति भगवान से करने जा रही हूँ। देखिए, जो ये धूपबत्ती मैंने जला के रखा है, ये मैंने घर में ही बना के तैयार किया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक और हर्बल है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसका रॉ मटेरियल मैंने घर में ही बना के तैयार किया है। कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छे लग रहा है, इतना खुशबू से भरपूर है ना, बहुत ही अच्छा है। अब आज मैं इसको बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये मेरे मंदिर का फूल है और कुछ टेरिस गार्डन का फूल है। इनको मैंने सब 2 दिन तक ही मैं इनका सब इकट्ठा कर देती हूँ। इनको हम फेंकते नहीं हैं, धूप में सुखाते भी नहीं हैं इसको। इसका ना फूलों का सब पंखुड़ियों को अलग अलग काट देंगे। ऐसे गुलाब का मैंने अलग कटिंग करके रखा है, और गेंदा, ये गुड़हल, ये सब जो अलग अलग फूल है उनको एक अलग करके रखा है। इसको मैं 2 अलग अलग तरह की बनाऊंगी, एक गुलाब का और ये मिक्स वाला अलग। इसमें ज़्यादा अधिकतर इसमें गेंदे के फूल हैं। देखो, मेरी मम्मी इसको काट रही है, सब पंखुड़ियों को अलग कर रही है। और जो ये फूल के नीचे का बच्चे होता है ना बेस, इनको नहीं डालना है, ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है बनने में, ये बर्बाद नहीं जाएगा, ये जाएगा मेरे गमलों में खाद के रूप में। आई देखिए, पंखुड़ियों को काट के कितना अच्छा लग रहा है। सब पंखुड़ियों को काट दिया था, उसके बाद उसको धूप में सुखाया 2-3 दिन। धूप में सूखने से इनका रंग भी कितना बढ़िया हो रखा है, कितना अच्छा। देखिए, इतना खुशबू आ रहा है ना, अभी इसका धूप तो बना ही नहीं, लेकिन अभी से इसमें बहुत खुशबू आ रही है। इसमें मिक्स करने के लिए मैंने डाला छोटा सा लोबान है, और कुछ है लौंग है, और एक दो तेज पत्ता है, घी और शहद है 1-1 चम्मच। लोबान डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, लोबान से जो हमारे घर की नीट बेटी वो दूर हो जाती है, और धूप बनाएंगे उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और फूलों की पंखुड़ियों को पीसने के लिए मिक्सी को जार को मैंने साफ किया है, और उसमें मैंने सब फूल के पंखुड़ियों डाल दिया पीसने के लिए। देखिए, ये पीस के तैयार हो गया है, कितना पाउडर बन गया इनका। पाउडर तो खैर पीसते समय बन जाता है, और फिर भी इनका जो थोड़ा सा ना बच जाता है, ये जो इनके फूलों के जो बीज बनने वाले पार्ट होते हैं वो थोड़े जाते हैं, इसलिए इनको छान के लेना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, ये भी कितना निकला ऊप जो छाना हुआ है, ये भी बर्बाद नहीं जाएगा, इसका मैं यूज़ करूँगी। आप पीसने जा रही हूँ, तेज़पत्ता हो गया, लोबान हो गया और लौंग हो गया। इसमें पीसने के लिए थोड़ा सा मैंने यही फूल के पाउडर डाले, क्योंकि कम था, उनको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। सब मिक्स करने के बाद कितने अच्छे और के पाउडर, और इनमें मैंने डाल दिया परात में एक पाउडर, इस पाउडर को उसमें डाला मैंने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच शहद। शहद डालने से सब मिक्स कर दिया है, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के पाउडर को घी और शहद के साथ मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ना इसमें मैंने पानी डाल दिया गूंदने के लिए। अभी मैंने इसको आधा ही यूज़ किया, आधा मैं बाद में बनाऊँगी इसका। इसको इसमें थोड़ा पानी ना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको भीगने में थोड़ा टाइम लगेगा और फूलने में टाइम लगेगा। अभी ये हल्का है, मोटाई छान के तो लिया है, लेकिन अभी है थोड़ा मोटा ही है, इसको हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। अभी जैसे बनाएंगे, इस स्टेज में बनाएंगे ना, आपका जो धूपबत्ती वो बनेगा ना, वो बन के बिखर जाएगा, इसलिए इसको पानी में डाल के मैंने छोटे छोटे ऐसे डोज ऐसे बना के फिर सबको एक साथ इकट्ठा करके और दबा के सब साथ एक साथ कर दिया। उसमें खूब पानी छिड़का दूंगी, 1-2 बार ऐसे पानी छिड़का के उनको सबको इकट्ठा कर दूंगी, और कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी कपड़े से ढका के। अब देखिए, 1 घंटे करीब हो गया, वापस से मैं इसको फिर पीस दूंगी। वापस से पीसने में, दोबारा पीसने में ये होता ना, ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं, और बहुत अच्छे से ये जो धूपबत्ती है बन के तैयार हो जाता है। अब बनने में भी इतना आसान हो रहा है बनाने में। कुछ तो मैंने पहले बनाया, कुछ मैं अभी बना रही हूँ। देखिए, कितना अच्छा खुशबू आ रहा बनाते समय ही। टाइम तो थोड़ा लगता ही है बनाने में, लेकिन रियल चीज़ और ओरिजिनल चीज़ हमको अपने हाथों से बना हुआ और बाज़ार में बहुत अंतर होता है। ये देखिए, मैंने 2 बनाए, एक तो मेरे जाली में बना है, ये छन्नी में, एक मेरे थोड़ा सा वो डिब्बे के ढक्कन में बनाया है। 2 दिन बाद ना, कम से कम 2 दिन बाद ये सूख गए। सूखने से देखिए कितना अच्छा हो गया, खूब अच्छे से सूख गए। अब इनको मैं भरूँगी डिब्बों में।
ये फूल भी देखे मैंने रखे हैं मंदिर के, इनको मैं ऐसे अभी इकट्ठा कर रखा है, फिर थोड़ा थोड़ा इनका पंखुड़ियों को काटूंगी ना, और धीरे धीरे इनको सुखाती रहूंगी, फिर वो खूब सारे हो जाएंगे, फिर उनका मैं धूप बनाऊंगी। अब भरूंगी इन डिब्बों में, इनको थोड़ा सेफ्टी से रखना पड़ता है, आराम आराम से डाल के ना, ये थोड़ा टूटने का डर होता है इनका। आई देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब इनको मैंने ना अपने हिसाब से छोटे छोटे बनाए हैं, अब कोई बड़े भी बनाते हैं, कोई छोटे भी बनाते हैं, मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं, बढ़िया सा बन रखा है। अब एक डिब्बा तो ये भर गया है, अब एक थोड़ा और इसमें बचा है छन्नी वाले में, इसको भी मैं मिठाई का डिब्बा है इसमें भर दूंगी। आई कितने सुंदर लग रहे हैं ये सब, बढ़िया। देखिए आज जो हम मार्केट से लाते हैं ना, उनमें इन लोगों ने बहुत केमिकल डाला रहता है, मैंने इस केमिकल डाला रहता है खुशबू के लिए, मैंने इस पर खुशबू के लिए लोबान डाला है, लोबान का खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। और लोबान से ये होता है जो घर में नेगेटिविटी होती है वो भी दूर हो जाती है, और धूप में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जो मैंने गणपति भगवान के पास धूप बत्ती जलाया है ना, उसके विभूति को हम फेंकेंगे ना, इकट्ठा करके इसको गमले में डाल देंगे, ये भी खाद के रूप में काम आएगा। देखिए मैंने ये जो फूलों का धूप बत्ती बनाया, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सभी को नमस्ते। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग भी अपने मंदिर का फूल, टेरिस गार्डन का फूल से ऐसे ही ऑर्गेनिक और हर्बल तरीके से धूप बत्ती घर में बनाइएगा।